कि तभी ना अचानक से कुछ लोग भागते हुए नजर आए कि बजरंग दल वाले आ गए, बजरंग दल वाले। कोई कच्चे में भाग रहा है, किसी ने बंदी की सलवार पहन के भाग रहा है जल्दबाजी में। मैंने कि पता नहीं बंदी ने क्या पहना होगा यार। तो करीब 24 साल पहले ना एक अफवाह फैली थी कि एक शादीशुदा दंपति ने राक्षस को जन्म दिया। वो राक्षस मैं ही था, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ ना तो मेरे पूरे चेहरे पे सिर्फ नाक दिख रही थी, गर्दन था ही नहीं, सिर्फ बड़ा सा पेट लेके पैदा हो गया था। डॉक्टर देख के डर गया कि अरे आपका तो बच्चा भी प्रेग्नेंट है, इसकी डिलीवरी के अलग से पैसे लगेंगे। और मेरे पेरेंट्स ना मुझे पैदा करके चुपचाप हॉस्पिटल से भाग रहे थे। वो तो सिक्योरिटी ने पकड़ लिया कि ये राक्षस को कहीं और ठिकाने लगाओ, हमारे स्टाफ डरे हुए हैं। और कहते हैं ना कि एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे प्यारा होता है, चाहे कैसा भी हो कि हाय मेरा राज दुलारा कितना प्यारा है। पर मुझे देखने के बाद मेरी माँ तेज तेज चिल्लाने लगी कि छीछी क्या है ये, हटाओ इसको, एक मिनट सुनो, गला घोट दो इसका। और वो तो मारने ही वाले थे मुझे, लेकिन तब तक ना ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और लोग मेरे बाप की नसबंदी की मांग करने लगे कि राक्षसी स्पर्म है इसका, हम इंसानों के लिए खतरा है ये। उस नसबंदी के डर से पाला है मुझे कि भाई साहब राक्षस दिखता है नहीं, मैं पालूंगा इसको। 3 साल तक तेरे नाम के सलमान खान की तरह जंजीर से बांध कर पाला है, इस डर से कि कहीं खुला छोड़ दिया तो हमें ना खा जाए। फिर धीरे धीरे ना इंसानी रूप में आने लगा कि अचानक से 10th क्लास में चश्मा लग गया, अब आधा इंसान आधा राक्षस ऊपर से चश्मा, लोग दूसरे ग्रह का समझने लगे कि देख जादू आया, जादू ओए ओए धूप बोल धूप। कुछ हरामी लौंडे पैर पे बाइक चढ़ा के चले जाते थे कि इसको दर्द थोड़ी होता होगा। बहुत दुख में बीता है मेरा जीवन यार, इसलिए ना भगवान को हमेशा कोसता रहता था कि सारा कुदरत का कहर मुझ पे ही बरसाना था, थोड़ा इधर उधर देख लेते। पर कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर ने, उन्होंने मेरी सुन ली। मेरे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे सामने से आके प्रपोज कर दिया। और पहले ना मुझे समझ नहीं आया, बट देन आई रियलाइज कि यार प्यार तो अंधा होता है ना। हाँ यार प्यार तो अंधा होता है, शायद ये वही अंधा प्यार है। और उस वक्त ना प्यार बहुत मासूम होता है, इतना मासूम होता है ना कि फर्स्ट पीरियड में वो मुझे प्रपोज करके गई, 5th पीरियड में मैंने उसे किसी और के साथ देख लिया। पर उसने बड़े प्यार से बोला कि बेबी पूरा प्यार नहीं दिया इसको, आपके लिए भी बचाया है। मैं खुश हो गया कि हाँ यार प्यार तो करती है यार, वरना मेरे लिए क्यों बचाती, खाम कहीं शक करता रहता हूं। पर मेरा दोस्त गुस्सा हो गया कि प्यार है ये या भंडारा बट रहा है, कि इसको भी दिया उसको भी दिया और आपके लिए भी बचा लिया। प्यार का मतलब है 2 जिस्म 1 जान, सिर्फ तेरा हक होना चाहिए उस पे। जैसे हीर रांझे और रोमियो जूलियट थे, तेरा तो यहाँ राहुल गीता राकेश सुमित क्या क्या चल रहा है, एक जिस्म कईयों की जान बनी हुई है भाभी। मैंने कि हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं, 4 घंटे के प्यार में इतना अंधा हो गया था मैं। और फिर ना हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं, सिर्फ दिमाग में यही चल रहा था कि उसको अपना कैसे बनाऊं। और पढ़ ही नहीं रहा यार, और पढ़ के करता भी क्या यार, क्योंकि बचपन से ना पापा ने पढ़ाई का एक ही फायदा बताया था कि अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छी लड़की मिलेगी। अब लड़की तो मिल गई थी तो पूरा फोकस उस पर ही था बस। तो मेरा एक दोस्त था जिसको ना रिलेशनशिप की थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस था उसको, तो उससे उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम कहीं उसको लेके क्यों नहीं जाता तू, ताकि ना तुम्हारे बीच में बातें बढ़े और कुछ मतलब एक दूसरे के क्लोज आ सको ज़्यादा। मैंने कि हाँ लेके तो जाऊँ, पर कहाँ, कहता उसको पुराना किला ले जा। मैंने पुराना किला है क्या, वहाँ है क्या, तो उसने ना एक नोटिस स्माइल दी कि एक बार लेके तो जाके दे, 2 जिस्म 1 जान होने का निंजा तकनीक है वहाँ। मैंने कि हाँ ठीक है यार, हमारी ना छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली थी और मुझे पता था ना कि उसके बाद डायरेक्ट मैं एग्जाम पे ही मिल सकता था,
और तब ना फोन वगैरह होते नहीं थे, घर में एक ही फोन होता था जो कभी भी कॉल करो उनके पेरेंट्स ही उठाते थे। तो मैंने कि आज ही बात कर लेता हूँ, और मैंने उससे बात की और वो रेडी हो गई कि ठीक है वैलेंटाइन वाले दिन 10 बजे मिलते हैं। तो उस दिन ना मैं रेडी होके आया और मैं एक्साइटमेंट में ना 9 बजे ही आ गया और गुलदस्ता खरीद के ना ऐसे ही कहीं भी प्रैक्टिस करता हुआ जा रहा हूँ, गाय के सामने झुक के, कभी खंबे के आगे झुक गया कि विल यू बी माई राजपुतानी। आते जाते लोग देख रहे कि पागल है, एक दो ने तो पत्थर भी मारे, मेरे कोई बात नहीं, आशिक दर्द झेलने के लिए ही होते हैं। फिर ना 10 बजे और वो आए और वह घर के ड्रेस में पहली बार देखा उसे, वो तो अप्सरा लग रही थी, और आती ना उसने मुझे एक हग कर लिया टाइट वाला, मेरे वदन में करंट सा दौड़ गया यार, मतलब जो भी प्रैक्टिस करा था सब भूल चुका था मैं। और उस दिन ना मुझे अपने टेस्टिकल्स की ताकत का अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ लटकने के लिए नहीं होते, उसके अंदर के गर्माहट ने ना पूरा शरीर गर्म कर दिया। दिल्ली के ठंड में पसीने छूट रहे थे यार, पर जब हक करके हटा ना मानो पूरी दुनिया थम सी गई थी, सब के सब रुक के सिर्फ हमें देख रहे थे और सबकी आंखों में ना एक ही सवाल नजर आ रहा था कि बता काला जादू जानता है ना तू है? काला जादू करके फंसाया ना इसको, क्योंकि यार एक तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो भगवान ने उसे समर वेकेशन की छुट्टी में आराम से तसल्ली के साथ बनाया था, और दूसरा मैं जिसको ओवर टाइम के वक्त जैसे मर्जी बना के फेंक दिया कि जा डरा दे लोगों को। और उस दिन ना एक चीज रियलाइज हुई मुझे कि भले ही एक खूबसूरत लड़की बुरी शकल वाले लौंडे को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसी जोड़ी को ये समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं ना बहुत नर्वस था यार, अब और भी ज्यादा होगा क्योंकि मुझे ना आइडिया नहीं था कि लड़कियों के साथ क्या बातें करती, और खासकर डेट पर तो कुछ पता ही नहीं था यार, और करनी भी है क्योंकि बोर ना हो जाए, तो कुछ भी बोल रहा हूं मैं यार कि पता है तुम्हें एक बार ना मेरी ना स्कूल में ना लड़ाई हो गई थी, और उस लड़ाई में ना मेरे पैंट फट गया, मैंने ना उस दिन कच्छा नहीं पहना था। एंड सी वॉज लाइक कि हंसना था क्या, हंसू? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बाबू आप उस बंदी से ऐसी बातें नहीं कर सकते जिसके साथ आप डेट पे जा रहे हो कि चार लौंडे मारे, उसका बाप आया उसको भी मारा, नहीं। तो फिर ना हम पुराना किला पहुंचे, और सच में यार वो जगह ना बहुत ही कमाल की थी भाई साहब, वहां लाइव पॉर्न चल रही थी हर जगह, वो भी कैटेगरी वाइज। हमें देख के एक बंदा चिल्लाने लगा कि भाई साहब एक और कैटेगरी आ गई, क्यूट गर्ल विथ अगली बॉय। और सिर्फ अनमैरिड ही बंदे नहीं, शादीशुदा बंदे भी लगे हुए हैं। मैंने कि भाई साहब बाकियों की तो मजबूरी है, आप क्यों खुले में ढिंक चिका कर रहे हो? कहता घर पे बेटा इसका पति नहीं मानता ना। मैंने कि सही है यार, मतलब दूसरे की गाड़ी। मैंने कि आंटी पूरा प्यार मत दे देना इसको, अपने पति के लिए भी बचा लो। और वहां ना हर जगह हर तरफ लोग लगे हुए थे, चारों तरफ से पब्लिक देख रही है टिकट लेके, और बीच पार्क में लगे हुए हैं, चुम्मा चाटी चल रही है, इधर थ्रीसम चल रहा है, इधर यंग गर्ल विथ ओल्ड मैन चल रहा है। और आप देख लो उस पुराने किला में है भी क्या ऐसा, चार टूटी हुई दीवारें या और झाड़ियों के अलावा जिसके लिए पब्लिक टिकट लेके जाए। सिर्फ पॉन देखने जा रही थी यार, जियो आने से पहले पूरी दिल्ली पॉन वही देखती थी। फिर ना एक कपल दो जिस्म एक जान होके उठे, फिर वो खोपचा हमने कब जा लिया कि चला बैठ। फिर ना हमारी बातें शुरू हुई और वो ना अपने बारे में बताने लगे कि कैसे उसको ना घर में सबसे ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं और सब उसके ऊपर जान बिखेरते हैं, और सबसे ज़्यादा प्यार उसके पापा करते हैं, पापा की तो पूरी परी है वो, वगैरह वगैरह ये सब बता रही है। और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, और मैं बताता भी क्या यार कि जंजीर से बांध के पाला है मुझे। कि तभी ना अचानक से कुछ लोग भागते हुए नजर आए कि बजरंग दल वाले आ गए, बजरंग दल वाले। कोई कच्चे में भाग रहा है, किसी ने बंदी की सलवार पहन के भाग रहा है जल्दबाजी में। मैंने कि पता नहीं बंदी ने क्या पहना होगा यार, और पता नहीं मैं कौन सी फील्ड में था, भाग ही नहीं पाया। उन्होंने आके मुझे चारों तरफ से घेर लिया, क्या भाई क्या कर रहा है यार? और डर के मारे मैंने सच बोल दिया कि दो जिस्म को एक। कहता कर लिया? मैंने कि नहीं आप आ गए। कहता है तो आप कर ले। मैंने कि कुत्ता थोड़ी है कि करके बना लूंगा उसको, फीलिंग और प्राइवेसी भी तो चाहिए।
कहता है फीलिंग हम दे देते, ओए राखी लेके आ। मैंने कहा राखी ये कौन सी फीलिंग दे रहे हो भाई साहब, ओ बंदी राखी बांधने भी आ रही है डर के मारे यार। मैंने दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने की, बेटा ये क्या कर रहा है तू, अभी नहीं बोलो कभी नहीं, राहुल कुछ बोल, कुछ ऐसा कर जा कि आने वाली पीढ़ी तेरी आशिकी की कहानियां गाए। मैंने कि मर जाऊंगा पर राखी नहीं बंधवाऊंगा। उन्होंने ऑप्शन तक नहीं दिया यार, कुत्ते की तरह मारने लगे मुझे। बंदी भाग गई, मैं पिट रहा हूं और भाग भी नहीं सकता था यार, पहला डंडा ही सर पे मार दिया था, बेहोश पड़ा था मैं। पर उस दिन एक बात समझ में आई कि प्यार में दिल टूटने पे दर्द होता होगा, पर पांच लौंडे मिलके मारते हैं ना तो बहुत ज्यादा होता है भाई साहब। ओके थैंक यू।